गाइस, अब मैं थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ क्या हुआ था यहाँ पे। जो कहते हैं लोग कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के प्यार में सिंबल ऑफ लव कहा जाता है इसको, बट मुझे चीज़ समझ नहीं आई गाइस कि जो मुमताज़ थी उनकी जो डेथ हुई थी वो रीज़न ये था कि वो 14th में अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस टाइम उसकी उनकी वजह से डेथ हो गई थी। तो यार सिंपल सी एक चीज़ समझ नहीं आती, जो मुमताज़ थी उन्होंने शाहजहाँ ने मुमताज़ से शादी अपनी जो उनकी वाइफ थी ऑलरेडी उनकी बहन थी मुमताज़, और उन्होंने उनके हस्बैंड को मार दिया था, मुमताज़ के हस्बैंड को, जैसा स्टोरी है थोड़ी लिखी हुई किसी बुक में, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ पर आप मुझे गाली मत सुनाने लग जाना, लोग जो दोस्त थोड़े होंगे समझदार हों ना समझदार हों। तो एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस अच्छा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कुछ गलत स्टोरी हो। तो स्टोरी ये थी सर कि जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनके हस्बैंड को मार दिया, शाहजहाँ ने मुमताज़ के हस्बैंड को मार दिया, फिर उनसे शादी करी थी। शादी करने के बाद 14 बच्चे देने के बाद 14वें बच्चे देते समय उनकी डेथ हुई थी, एक बहरान तो नाम से गांव है जहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ उनकी कब्र थी। फिर उन्होंने बनने के बाद उनके साल में बनाने के 22 साल बाद ताजमहल बन गया था 22 साल बाद, तो उन्होंने उनकी कब्र को वहाँ से निकाल कर फिर ताजमहल में यहाँ पर लगवा दिया। तब तक यहीं उन्हीं गार्डनों में उनकी जो वो थी कब्र थी वहीं पर रखी हुई थी। तो ये थी स्टोरी गाइस, अब मुझे बताइएगा सच है या गलत है। वैसे अगर ये सच है तो सीरियसली मेरे हिसाब से इसको सिंबल ऑफ लव नहीं कहना चाहिए,